Good morning, friends. Today we will study the Gaterman synthesis. So what is Gaterman synthesis? In this reaction we take here phenol. When we add here hydrogen cyanide, HCl, AlCl3 and water. So therefore we will get ये वाला जो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाते हैं. एग्जैक्टली यहाँ पे ये फिनोल जो है वो HCN, HCl और AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रही है एंड देन रिजल्टिंग इनटू जो उसकी फिनोल के करस्पॉन्डिंग जो उसकी पैरा पोजिशन है उसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है. सो वी विल स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन के हाउ दिस रिएक्शन इज एग्जैक्टली अकरिंग. सो दिस इज रिएक्टेंट, हम इसको रिएक्टेंट मानते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है. तो व्हाट आर ऑन द एरो, दे आर कॉल्ड द रिएजेंट्स. तो सबसे पहले हमने जो मैकेनिज्म है वो रिएजेंट से स्टार्ट करेंगे. सो लेट स्टार्ट हियर. फर्स्ट स्टेप इज HCl दैट डिसोशिएट इनटू एच पॉजिटिव एंड द Cl नेगेटिव वाय. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मैकेनिज्म. आफ्टर दैट वी हैव हियर एच and here is the Cn, that is called hydrogen cyanide. अब हम इसके बीच में क्या करेंगे कि ये सॉरी इसमें मैंने प्लस लिखना है और ये एच पॉजिटिव जो HCl से प्रोटोन आया था नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर पड़े हैं तो नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर इस प्रोटोन को डोनेट करेगा. तो जब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा तो वॉट वी विल गेट हेयर, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए तो देयर फोर ये नाइट्रोजन के साथ एच लग जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव. नाउ यू नो वेरी वेल दैट हियर दिस क्लोरीन, दिस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ दिस कार्बन एंड बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस नाइट्रोजन डू नॉट एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज. सो देयर फोर इट विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड इटसेल्फ एंड ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा. So after that what we will get here HC and here is the double bond, here is N and H और यहाँ पे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव. अब यहाँ पे जब कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो Cl नेगेटिव चार्ज आयन है वो इस कार्बन को अप्रोच करेंगे. तो देयर फोर वाट वी विल गेट हेयर HC डबल बॉन्ड एन एच और यहाँ पे Cl लग जाएगा. तो ये हमारा जो है फ्रेंड्स सेकेंड स्टेप था. अब हम देखें नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है. अब यहाँ पे ये जो है हमारे पास H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड एन एच और यहाँ पे है Cl, इसके बीच में हम क्या डालेंगे, AlCl3 दैट इज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड. ये एक लीस एसिड है तो वाट विल हैपन हेयर, इसका ऑक्टेट कम्प्लीट नहीं है तो ये क्लोरीन को अपनी तरफ विदड्रा कर लेगा तो क्लोरीन विद इट्स बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे चली जाएगी. तो देयर फोर वाट वी विल गेट हेयर HC डबल बॉन्ड, हेयर इज एन एच एंड दिस कार्बन कैरी विद चार्ज पॉजिटिव एंड हेयर वी विल गेट AlCl4 नेगेटिव आयन. नाउ ये फ्रेंड्स जो रिएजेंट्स जो है हमने इंडिकेट किए थे एरो के ऊपर अभी तक सिर्फ उनकी रिएक्शन हो रही है. तो अब यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है जिसका नाम क्या है, कार्बोकेटायन. अब ये जो है फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा फोर्थ स्टेप में. तो व्हाट विल हैपन इन द फोर्थ स्टेप, इफ वी हैव हियर द फिनोल, हियर इज OH और यहाँ पे ये वाला जो है फिनोल है. Now what will happen here, so if we take here ye wala carbon CH double bond NH, this carbon carry here positive charge. Now what will happen here ki ye wala jo pi bond hai ye wala is carbon ke upar aake attack karega. So therefore we will get what here, we will get
हेयर इज ओ एच एस एच। और यहाँ पे ये वाले पाई बॉन्ड ने जब इस कार्बन के ऊपर अटैक किया तो यहाँ पे एक ये वाला एच है, इस कार्बन के ऊपर एक एच भी था, और ये वाले पाई बॉन्ड ने इस कार्बन के साथ अब सिग्मा बॉन्ड बना लिया तो ये बन गया सी एच डबल बॉन्ड हेयर इज एन एच। अब ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो इस कार्बन से ब्रेक कर गया तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। बाकी बॉन्ड हमने एस एच लिख देने हैं। नो व्हाट विल हैपन हेयर, अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला हाइड्रोजन अपने बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा तो एच के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो बींग यहाँ पे फ्रेंड्स देखें जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर लोन पेयर है तो वो लोन पेयर जो है वो इस एच को जो है डोनेट किए जाएंगे तो ये नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर है इस एच पॉजिटिव को डोनेट कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा क्या होगा, ये वाली जो रिंग है सच लिख देनी है हमने, एंड हेयर इज ओ एच, ये रिंग एस सच, यहाँ पे ये बॉन्ड चला गया, ये वाली सिग्मा बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ डोनेट कर दिए थे। अब यहाँ पे ये सी एच डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ने अपने लोन पे डोनेट किए तो यहाँ पे बन गया एन एच टू। यू नो दैट यहाँ पे एक एन एच था, अब ये वाला एच जो है पॉजिटिव था तो इस कार्बन एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, देयर फोर इट विल बिकम हेयर एन एच टू पॉजिटिव। नो वॉट हैपन हेयर अगेन, एज वी नो दैट दिस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ द कार्बन, देयर फोर इट विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड इटसेल्फ एंड दिस कार्बन कैरी विद चार्ज पॉजिटिव। अगर जो है वाटर के कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाटर हमने फ्रेंड्स रीजन में डाला था जो सॉल्वेंट के रूप में, तो ये जो सॉल्वेंट है वाटर तो ये अब एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा विच इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाटर के जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर देंगे। तो नो व्हाट वी विल गेट हेयर, सी दैट हेयर इज ओ एच एस सच, यहाँ पे ये वाले बॉन्ड मैंने एस एच लिख देने हैं, एंड यहाँ पे सी एच हेयर इज एन एच टू है, और ये वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल मैंने इसके साथ लगा दिया। अब अगर ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट किए इस कार्बन को तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सो हेयर द अगेन हिज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट अक्वायर द पॉजिटिव, तो अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगी तो देयर फोर एच के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यू नो दैट यहाँ पे लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर तो ये वाले जो लोन पेयर हैं वो दोबारा इस नाइट्रोजन को एस एच पॉजिटिव को अप्रोच करेंगे, जो यहाँ पे एच पॉजिटिव ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर अपीयर हो चुके थे तो वो लोन पेयर जो है वो एच को अप्रोच करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी हियर, वी विल गेट दिस वन इज ओ एच, और यहाँ पे है बाकी सारी रिंग की जो बॉन्ड है ऐसा लिख देने हैं, यहाँ पे सी एच हेयर इज एन एच, जब ये वाले इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पे डोनेट कर दिए तो फिर ये क्या बन गया, अब एन एच थ्री, तो नाइट्रोजन ने लोन पे डोनेट किया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ये बन गया ओ एच। तो फ्रेंड इसके बाद हमारे पास एक लास्ट स्टेप रहता है, वो क्या है कि ये नाइट्रोजन जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दिस डू नॉट अक्वायर द पॉजिटिव, तो ये जो अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा तो देयर फोर इसका तो पॉजिटिव फिनिश हो जाएगा तो ये बन जाएगा अमोनिया, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये वाला जो बॉन्ड है वो इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सी एच ओ डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, तो ये हमारे पास जो है जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमने लिखा था वो बन जाएगा। और साथ में जो है फ्रेंड्स, अगर मैं इस वाले स्टेप को मैं इसके साथ यहाँ पे बताना चाहता हूँ शॉर्ट में, सी हेयर दैट व्हाट वी विल गेट, वी हैव हेयर इज ओ एच, एंड यहाँ पे बाकी अदर बॉन्ड्स जो है मैंने एस एच शो कर दिए, यहाँ पे है सी, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा उसके साथ ये एच जो हम एल्डिहाइड ग्रुप लेके चल रहे थे, और साथ में इसके क्या बन गया, अमोनिया, ये वाला यहाँ पे NH3, और ये साथ में क्या निकला, H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव तो हमने एज कैटलिस्ट यूज किया था, वो हमने HCl से लिया था,
तो एज सच हम उसको रिकवर कर लेंगे एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. सो देयर फोर एच सी एल इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट हियर विच स्पीड अप द रिएक्शन एंड मेन अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एंड कैन बी रिकवर्ड. सो दिस इज द फ्रेंड्स मैकेनिज्म ऑफ द गैटरमैन सिंथेसिस. सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट्स करके बताएं.